कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई ये भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए पी लिए उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी उनको तो दुख है ही तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ, तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का जिसका भी डेथ हुआ है सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग ये देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है, तो उसके बाद होगा। क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है, तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है पी लिया जहरीला शराब उसका डेथ हो गया ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी क्यों लोगों का डर रहता है सर? नहीं देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना चाहिए। बात ये है वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है, अभी जहरीला पी करके तो मर गया तब उसका क्या होना है, वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही ना गया उसका, तो अब कम से कम उसको, अरे पी करके जो गिरफ्तार हुआ पीने वाले को नहीं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा तो बहुत अच्छा है, हाँ तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर है, तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे ये हमने सोच लिया। तो हम आप लोगों को हाँ मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है, अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए, ये सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ, तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद कर रहे हैं, ये बात हमने सोच लिया, तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दिए हैं, अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का उस सब को हम दे देंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।